संपूर्ण देशवासी भारतवर्षियों को संपूर्ण देशवासियों की हम लोग का 15 अगस्त जो भारतवर्ष का स्वाधीनता का उत्साहित महान त्यौहार, इस त्यौहार में देशवासी हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बुद्धिस्ट संपूर्ण धर्म अवलंबी हम लोग का देश में जितना भी हम धर्म बोले इससे भी अलावा और धर्म जो बोलने में नहीं बोला वो संपूर्ण देशवासी हम लोग भाई भाई एक हम लोग का देश में एक ही गाछ में एक ही वृक्ष में बैठे हुए हमारा इस भारत देश का फूल का गाछ इसका 75वां स्वाधीनता दिवस मना जा रहा है। इसका हम चित्रबहादुर छेत्री जयगाँव एक नंबर अंचल पंचायत छोटा मिर्चा बस्ती साथी कांग्रेस पार्टी का अलीपुर द्वार का महासचिव का और से हमें संपूर्ण देशवासियों का जो 75वां स्वाधीनता दिवस उपलक्ष्य में सबको मेरा आंतरिक हृदय से मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हर घर में 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस में हर घर में हम लोग का तिरंगा झंडा फहराना जरूरी है। और झंडा मात्र नहीं देश में झंडा का साथ साथ जैसा झंडा का तीन रंग है केरुआ रंग सादा रंग हरा रंग ये तीनों रंग झंडा में दिया गया है। इसका महा उद्देश्य लेकर हम लोग का जो 1947 साल में देश में जब स्वाधीन हुए जब हम लोग का देश में विदेशी ब्रिटिश का शासन अत्याचार था इस अत्याचार में बहुत आदमी को देश स्वाधीन करने के लिए बहुत का जान गुमाना पड़ा बहुत नेता मरना पड़ा बहुत को फांसी हुआ बहुत को भूखे प्यासे इन लोग ब्रिटिश ने अत्याचार करके हम लोग का इस देश का अत्याचार का खिलाफ देशवासी एक होके इस देश में स्वतंत्र स्वाधीनता लेकर हम लोग अभी जी रहे हैं। तो इस देश धर्म का भी महान देश जाति का भी महान देश वेशभूषा का भी महान देश धर्म का भी महान देश खाद्य पदार्थ का भी महान देश इस देश में हम लोग एक त्यौहार में हम लोग 15 अगस्त का दिन सब भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बुद्धिस्ट सब हम लोग भाई भाई हम लोग का एक ही गोत्र एक ही थर में मिलकर देश का प्रेम करना हम लोग का जरूरी है। अभी देश में कोना कोना में बहुत दुश्मन बहुत संत्रासवादी बहुत आतंकवादी हम लोग का देश में आकर हम लोग का और ब्रिटिश से भी कठिन से कठिन भारतवर्ष को झेलना पड़ रहा है। सब हम लोग एक होके देश को माया करें देश को सुरक्षा करें देश को संविधान को पालन करें देश को सरकार को हम लोग सम्मान करें देशवासियों का प्रेम करें। इसलिए तिरंगा झंडा में जब दिया गया है जे गेरुआ कलर का मतलब ये है कि हम लोग सब साधु संत त्यागी भीतर हृदय से त्याग स्वीकार करने का हम लोग का एक भारतवासी का क्षमता है इसलिए गेरुआ कलर दिया गया है। अब बीच में सादा जो कलर है ये शांति का प्रतीक है हम लोग का हमेशा सुख शांति में तब जाके हम लोग देश के प्रेम करना सके भाई भाई का प्रेम करना सके देशवासी में एक दूसरा से प्रेम भाव रहे इसलिए शांति शांति का जरूरी है। इस शांति के लिए सादा और नीचे दिया गया है हरा रंग इस हरा रंग का हम लोग का देश भारतवर्ष नदी मात्रिक देश हरियाली देश ऊंचाई निचाई बंधुर सब मिलके जो पहाड़ पर्वत वैली उपत्यका सब मिलके जो देश में हरियाली खेती होता है इस खेती से सारा भारतवासी का एक अन्न प्रदान होता है इस हरियाली में इसीलिए अन्न खाद्य द्रव्य नदी नाला फॉरेस्ट जंगल सब मिलके जो हरा है इसका भी इस हिसाब से प्रतीक में हरा कलर दिया गया है। और बीच में जो भी जो हम लोग का अशोक चक्र है इस अशोक चक्र में 24 दाग होता है
इस 24 दाग में 24 टू अर्थ है कि व्यभिचार करना नहीं, लोभ करना नहीं, किसी का हिंसा करना नहीं, किसी का निंदा करना नहीं, किसी का चोरी करना नहीं, त्यागी होना है। ऐसा मिला के 24 टू यहाँ जो दाग है, इस खाली झंडा फहराने से नहीं होगा, झंडा का साथ साथ देश का प्रेम, धर्म का प्रेम और एक दूसरे का प्रेम भाव मिला के हम लोग का बैठना पड़ेगा और देश को आदर करना पड़ेगा। हम चित्रबहादुर छेत्री इस देश आज 1947 साल से लेकर आज 2022 साल अगस्त महीना 15 तारीख इतना दिन में 75 साल हुआ, 76 टन हम लोग का झंडा फहर रहा है। इसमें झंडा फहराने में हम लोग का जो भारतवर्ष का जो पार्लियामेंट है, हम लोग का जो लाल किला है, हम लोग का जो स्कूल कॉलेज मठ क्लब प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस वीडियो ऑफिस कालचीनी ऑफिस हम लोग का अंचल ऑफिस अपना गांव में जो समाज है विभिन्न समाज संस्था सब इकट्ठा होके जो जैसा हो हम लोग का अपना देश का जनगण मन अधिनायक जय ही जो हम लोग का रविंद्रनाथ ठाकुर से जो हम लोग का देश का मातृ गीत है, इस गीत को गाते हुए देश को झंडा का ऊंचा करते हुए देश को प्रेम करें, देशवासियों का प्रेम करें, ये मेरा चित्रबहादुर छेत्री का ओर से आप लोग का सबका 15 अगस्त का देशवासी का और जो हम लोग का तिरंगा झंडा का और हम लोग का कांग्रेस पार्टी इस तिरंगा झंडा सृष्टि किया इस सबको जो हम लोग का गांधी जी और सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद अली जिन्ना हो सूर्य सेन मास्टर दा विनय बादल दिनेश खुदीराम बसु ऋषि अरविंद घोष बाल गंगाधर तिलक ये सब मिलके कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर संपूर्ण हम लोग का देश का महान ऋषियों मिलके देश को आज़ाद करके आज हम लोग का देश में शांति से हम लोग बैठ रहा है। ये शांति कहीं ना लूटे, ये शांति कहीं ना टूटे, ये शांति सदा रहे। ये बोलते हुए मैं सब देशवासियों का हृदय से प्रेम से भातृभाव से मातृभाव से सबको एक करके मैं आज ये सबको आशीर्वाद एक दूसरे से प्रेम रहे इतने बोलते हुए 15 अगस्त को यहीं मेरा वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। जय भारत, जय